क्या है, मंत्री जी की वजह से बहुत शांत माहौल हो गया पूरे देश में। यह सब मंत्री जी ही कर रहे हैं। कायर है तू, वसीयत लिख डाल, तेरी मौत का दिन मैंने फिक्स कर दिया है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, कन्नड़ फिल्म कंतारा के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, फिल्म के कलेक्शन के बारे में, फिल्म की कहानी के बारे में, और फिल्म को लेकर जिस तरह से हाइप और बस देखने को मिला लोगों में वो अनबिलीवेबल है। कन्नड़ फिल्म कंतारा देखने के बाद फैंस दो चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, पहला फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी, और दूसरा फिल्म कंतारा के देवता के बारे में। कंतारा फिल्म में क्षेत्रीय देव या फिर देव पंजुरली के बारे में बताया गया। श्री पंजुरली भगवान विष्णु के 12वें अवतार है, श्री 12वां अवतार जिन्हें कन्नड़ लोग पूछते हैं। वहीं वहां के लोकल लोग या कह ले क्षेत्रीय लोग भूत कोला नाम का त्योहार मनाते हैं, जहां नर्तक 12 अवतार यानी कि पंजुरली का वेश धर कर धार्मिक नृत्य करते हैं, जो आपने फिल्म में भी देखी होगी। कंतारा फिल्म में ऋषभ शेट्टी क्लाइमेक्स में देव पंजुरली का रूप लेते हैं, या यूं कहें कि ऋषभ शेट्टी के मरने के बाद पंजुरली उनके शरीर में प्रवेश करता है और जंगल के दुश्मनों का खात्मा करता है। कन्नड़ लोगों का मानना है कि 12 अवतार उनकी रक्षा करता है, लेकिन देवता वही होते हैं जहां पहले दानों का प्रकोप होता है। देव पंजुरली की कहानी भी यही है, जिन्होंने जंगल में रहने वाले एक दैत्य का सर्वनाश किया था। Who is पंजुरली, मतलब कौन है पंजुरली? कर्नाटक में पंजुरली देव का बहुत महत्व है, और यहाँ रहने वाले लोग भूत कोला त्योहार में पंजुरली देव का वेश रखकर उनके होने का एहसास कराते हैं। देव पंजुरली के बारे में कई कहानियां हैं जो बहुत फेमस है। देखा जाए दोस्तों, तो पंजुरली शब्द एक अपभ्रंश है, यानी कि पंजीदा कुरले यानी युवा वराह। ये भगवान विष्णु के तीसरे अवतार श्री 12 अवतार का एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी में अन्न की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय पंजुरली देव अवतरित हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक 12 देव के 5 पुत्र हुए, मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर पहुंच चुका था। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करने पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात 12 शिशु को देखा तो उन पर दया आ गई और वो उसे कैलाश पर्वत ले आई। वहां वो अपने पुत्र की तरह ही उसे पालने लगी। कुछ सालों बाद उस बच्चे ने एक विकराल वाराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उसे खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूखे से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने यह देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वाराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो उन्होंने महादेव के उसके प्राण ना लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। अब उसकी जान तो बच चुकी थी, तो उसने महादेव और माता पार्वती को धन्यवाद कहा। तब भोले ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वारवा पृथ्वी पर पंजुरली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना शुरू कर दिया। विद्वानों का कहना है कि जब मानव जाति खेती करना शुरू कर चुकी थी, तब जंगली सुअर उनकी खेती को नष्ट करने लगे थे, जिसे लोगों ने दैवी शक्ति समझ उनकी पूजा करना शुरू कर दी। तब से पंजुरली उनकी रक्षा करते हैं। अब जो आपने फिल्म में डांस देखा है वो, अब अगर उसके बारे में बात की जाए तो एक बार देव पंजुरली और दूसरे भयानक रूप वाले देवता गलुगी गुलिगा के बीच युद्ध हुआ था। दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते थे, लेकिन बाद में माता पार्वती ने दखल दिया और बाद में दोनों ही एक साथ भाई की तरह रहने लगे। कंतारा फिल्म में गुलिया के बारे में नहीं दिखाया गया। जब कन्नड़ लोग भूत कोला फेस्टिवल मनाते हैं, तब पंजुरली देव के साथ गुलिका देव का भी वेश रखकर नर्तक लड़ते हैं और फिर दोस्ती करते हैं, और वही चीज आप लोगों को फिल्म में दिखाई गई। हालांकि गुलिका के बारे में इतना नहीं बताया गया फिल्म में, ना ही दिखाया गया। वेल दोस्तों, तो ये है कंतारा फिल्म के देवता की कहानी, जो आप लोगों को शायद ही मालूम होगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी तो जाइए देखिए, और इंटरेस्ट बढ़ेगा फिल्म को देखने में। वेल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज़।